अस्सलाम वालेकुम, डीसीपी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका दोस्त मोहम्मद मोहसिन, और आज आप लोगों को कुछ बताने से पहले मैं सीधे ले चलता हूँ पॉइंट की ओर। हमारे साथ जुड़ चुके हैं सुनील भाई जी, जो हरियाणा पुलिस से कांस्टेबल हैं। तो सुनील भाई जी, आप डीसीपी के माध्यम से जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? डीसीपी न्यूज़ चैनल के माध्यम से हम अपनी पूरी मुहिम को सेल्फी विद तिरंगा, सेल्फी विद ट्री, पर्यावरण बचाओ पेड़ लगाओ आगे बढ़ाने के लिए, हमारा साथ देने के लिए दिल से धन्यवाद देते हैं। और आपसे उम्मीद करते हैं आप हमारा ऐसे ही साथ देते रहेंगे ताकि देश के लिए कुछ किया जाए। अपने लिए तो सब जीते हैं, देश के लिए जिए। जय हिंद, जय भारत। हम आपको बता दें, सुनील भाई ने एक मुहिम चलाई हुई है, सेल्फी विद तिरंगा, सेल्फी विद ट्री। इस मुहिम के तहत वह गरीब किसानों के पास जाते हैं और अपनी जो भी सहयोग होता है वो गरीब किसानों तक पहुँचाते हैं। आपने ऐसे पुलिस वाले तो बहुत देखे होंगे जो गरीबों से ठगते हैं, लेकिन पहली बार आप लोगों को ऐसा पुलिस वाला मिल रहा है। हरियाणा पुलिस को मैं सैल्यूट करता हूँ कि उनकी पुलिस में ऐसे भी जवान हैं जो अपनी सैलरी से, अपनी तनख्वाह से जो है दूसरों का भला करते हैं। और इस मुहिम को पूरा करने के लिए जब उनसे अपना पूरा बजट भी देने के बाद वो क्या करते हैं, जब उनके पास कोई पैसा नहीं बचता, जैसे कोई खाना नहीं बचता, तो अपना देने के बाद वो क्या करते हैं, लोगों से मांगते हैं, बच्चों से मांगते हैं, स्कूल स्कूल जाकर सबसे पुराने कपड़े, पुराने पहनने के कपड़े, पुरानी रजाइयाँ, गद्दे, बेड, मतलब जो भी किसी का रिजेक्टेबल है उसको वो इकट्ठा करके और अपनी एक जीप में, जो स्क्रीन पर आप लोगों को जीप दिखाई दे रही है, इस जीप के द्वारा जो है लोगों तक पहुँचाते हैं और लोगों का भला करते हैं और लोगों की दुआएं लेते हैं। आप नहीं जानते शायद कि ये गरीबों की कितनी मदद करते हैं और कितना ये गरीबों को सहयोग करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ जुड़ चुके हैं उल्लू टीवी के स्वामी प्रधान संपादक जो के राजीव जी हैं, राजीव तलवार के नाम से बड़े मशहूर हैं। तो राजीव जी, आप इस जवान के बारे में क्या कहना चाहेंगे? पहली बात तो बता दूं कि मैं पत्रकार नहीं हूं, और जो जो जवान अपनी सैलरी से, अपने पसीने की कमाई से अगर नेक काम कर रहा है तो वो असली भगवान है। ऐसे भगवानों का मैं चरण छू रहा हूँ, और देश में ऐसे कुछ और भगवान मिल जाए तो ये देश स्वर्ग बन जाए। राजीव जी, जैसे कि मैंने आपकी वीडियो में देखा है, आप गाली बहुत बकते हैं अधिकारियों को उनके भ्रष्ट कार्य की वजह से, लेकिन इस अधिकारी को आप क्या कहना चाहेंगे? ये गाली नहीं, हथियार है। चूतियों को गाली लगती है, ये हथियार है, नए तरीका हथियार है, और ये हथियार बहुत कारगर है। अगर इस देश के 1 लाख मर्द मुझे 1 रुपया महीना दे दें तो इस हथियार से मैं चमत्कार कर सकता हूँ। और उस भगवान का नाम जानना चाहता हूँ जो इतना नेक काम कर रहा है। पुलिस वाले भाई का नाम बताएंगे? सर, उनका नाम जो है सुनील संधू है, जो हरियाणा पुलिस में तैनात है। किस शहर में पोस्टिंग उनकी है? ठीक ठीक ठीक, धन्यवाद। ओके सर, धन्यवाद। बाकी का वीडियो मेरे साथ आप लोग भी देखते रहिए डीसीपी न्यूज पर। और इसी तरह की अगर आपके पास कोई खबर है तो हम तक पहुंचाने के लिए नीचे स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी पर आप संपर्क कर सकते हैं। अगर विज्ञापन किसी को चलवाना हो उसके लिए भी संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद मेरे साथियों को। ये आज लाइव आए हैं भाई सुनील संधू भाई हैं, अपने पुलिस वाले, तिरंगा विद सेल्फी, सेल्फी विद तिरंगा, जिन्होंने मुहिम चलाई है, सेल्फी विद ट्री, सेल्फी विद ट्री भी करते हैं, और ये बहुत अच्छी मुहिम है। काफी इनसे प्रेरणा भी मिली है भाई, इनसे जुड़े हैं। और आज हम जहाँ पे आए हैं भाई, ये आश्रम है, यहाँ ये स्कूल में गए थे एक में, जहाँ छोटे छोटे बच्चों ने कणक इकट्ठी की थी, कोई उनसे अपील की थी, और वो कणक इकट्ठी करके घर पर लेके आए थे। कोई 100 ग्राम लेके आया, कोई 1 किलो लेके आया, कोई आधी किलो, वो कर करके ये कणक के कट्टे हैं भाई। आज ये 7-8 कट्टे कणक के हैं, हाँ, तो ये लेके आए थे। कपड़े भी थे, बच्चों ने इकट्ठे किए हैं भाई कपड़े भी। सुनील संधू भाई की मेहनत और इनकी लगन को देखते हुए भाई इनसे प्रेरणा ली है, जुड़ा हूँ, बहुत अच्छा लगा। आप लोगों से भी सिर्फ एक ही उम्मीद करूंगा भाई कि जहां आपको कोई मददगार, जिनकी मदद आप कर सकते हो, उतनों की मदद कीजिए, और तभी यह भाईचारा कामयाब होगा। एक आदमी की मदद जरूर करें, चाहे रोजगार साधन संपन्न है, घर पे जमींदार है, या कोई नौकरी वाला है, अगर एक आदमी चाहे तो एक आदमी का घर बसा सकता है, ऐसा मेरा मानना है और अप्रूव करके देखा है। बिल्कुल। और जिस आश्रम में आए हैं मैं बता देता हूँ, इस आश्रम के पीछे झुग्गी झोपड़ियां हैं, जहां उनके बच्चे यहाँ पे आके खाना भी खाते हैं इस आश्रम में, और पढ़ते भी हैं यहाँ पे। पंडित स्कूल में जाते हैं, ऑटो में लेके जाता है, ऑटो छोड़ के जाता है, डॉक्टर यहाँ इलाज करते हैं, यहाँ मंदिर में अच्छी शिक्षा भी लेते हैं, ट्यूशन टीचर आता है, स्कूल में जाते हैं, खाना यहाँ खाते हैं,
रात को अपने झुग्गियों में रहते हैं, सुबह भी रह जाते हैं, तीन चार बार ये वो लड़के यहाँ आते जाते हैं और बहुत अच्छी शिक्षा ले रहे हैं। आपसे भी हम कोशिश करेंगे कहने की कि आप भी अच्छे लोगों को शिक्षा दें। और अजीत भाई जुड़े हैं, वैसे फेसबुक पे काफ़ी दिन से जानते हैं लेकिन प्रोग्राम में आए, एक बार पहले भी आए थे। किसानों को भी जागरूक करेंगे और इसे बड़े लेवल पर लेके जाएंगे। और सुनील संधू भाई का एक पेज भी है भाई, सुनील संधू के नाम से सर्च कर लेना, सुनील संधू बरटा आईडी भी है, सर्च कर लेना, फॉलो कर लेना। एक बार भाई इस आश्रम का एड्रेस बता दे, एड्रेस कहाँ पे इसका? गुरु बृहस्पति दिव्यांग बाल आश्रम, पट्टी अफगान कैथल, कैथल में जी आश्रम। ये पट्टी अफगान कैथल में है भाई ये आश्रम। किसी को कोई परेशानी आए आने जाने में वो हमारे साथ कॉल कर लेना, अजीत भाई को कर लेना, हम लेके आएंगे। और भी बहुत है हमारे पास ऐसी जगहें जिसकी हम मदद कर सकते हैं, आप भी बता सकते हैं कि हम वहां जाके मदद कर सकते हैं। हम चाहें तो इसे बड़े लेवल पर लेके जाएंगे। मेरी तरफ से यही एक मैसेज है कि हम किसी की मदद करें और अगला बोले थैंक्स तो उसे यही बोलना कि थैंक यू नहीं, एक आदमी की मदद करो और अगले को बोलो कि वो भी किसी की मदद करे और हमारे साथ जुड़ो। सबसे किसी से कुछ नहीं मांग रहे भाई, एक यही मांग रहे हैं जो भाई देख रहा है इसे शेयर कर दें, आज शेयर करते रहें भाई। और सबसे बड़ी बात, ऐसे पुलिस वाले आपको देखने में बहुत कम मिलेंगे जो समाज सेवा भी करते हैं, अपनी ड्यूटी भी करते हैं, घर परिवार भी देखते हैं भाई। तो समझो इस बात को, और जितनी मदद आप कर सकते हो अपने आसपास समाज में रहने वाले गरीब बच्चों की, उनकी कीजिए। नया इंडिया आपसे ही शुरू होगा। जय हिंद, जय भारत।